एक नई शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई घोषणा की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। प्रदेश में कुल 25,000 पदों पे होगी भर्ती, सबसे ज्यादा 15,000 पद शिक्षकों के भरे जाएंगे। तो कहां और किस मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा की गई है और कुल जो ये 25,000 पद हैं, इनमें से 15,000 शिक्षकों के निकालने के बाद 10,000 और किन के पद बचते हैं, तो ये सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और टीचर्स की रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो ये देखिए CMO मध्य प्रदेश का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, अब से 7 घंटे पहले एक ट्वीट किया गया है। मुख्यमंत्री श्री @चौहान शिवराज ने विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती करने के दिए निर्देश। प्रदेश में 25,000 पदों पे होगी भर्ती, सबसे ज्यादा 15,000 पद शिक्षकों के भरे जाएंगे। तो 7 घंटे पहले का ट्वीट है, CMO मध्य प्रदेश की तरफ से किया गया है। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है CMO मध्य प्रदेश का, ये आप ध्यान रखिएगा। पूरी न्यूज देखने के लिए हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। ये आ गई है पूरी न्यूज हमारे सामने, जो की है कुछ इस प्रकार से। प्रदेश में 25,000 पदों पर होगी भर्ती, सबसे ज्यादा 15,000 पद शिक्षकों के भरे जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों का पिटारा खोलने का निर्णय लिया। प्रदेश में 25,000 पदों पर जल्द ही भर्तियां की जाएंगी, सबसे ज्यादा पद शिक्षकों के भरे जाएंगे। CM ने भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। CM हाउस में अफसरों ने खाली पदों की दी जानकारी। CM ने अफसरों को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के दिए निर्देश। तो दो अपडेट आ गई हैं। तो ये न्यूज हम यहाँ से भी देख लेते हैं। CM मध्य प्रदेश के फेसबुक पेज पर भी ये न्यूज आई हुई है। शासकीय विभागों में रिक्त पद भरने के लिए तत्काल प्रक्रिया प्रारंभ करें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह, राजस्व, लोक निर्माण, जेल, शिक्षा और अन्य विभागों में रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए। शिक्षकों के लगभग 15,000 और अन्य विभागों के 10,000 पद मिलाकर लगभग 25,000 पदों के लिए भर्ती अनुमानित है। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जन कल्याणकारी कार्यों के सुचारू संचालन के लिए विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की कार्रवाई पूर्ण की जाए। इस संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, लोक सेवा आयोग और विभागीय स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई संपादित की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पदों की भर्ती के संबंध में विभागीय स्तर पर भी समीक्षा कर समग्र रूप से संपूर्ण प्रक्रिया अपनाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद भर्ती में नियम प्रक्रिया पालन सुनिश्चित की जाए, ये भी बोला गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में आवश्यक नियमों और प्रक्रियाओं का पालन कर ध्यान रखते हुए प्रक्रिया पूरी की जाए। एक अनुमान के अनुसार करीब 10,000 पदों के लिए PEB द्वारा आगामी महीनों में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इन पदों में गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस आरक्षक के 3,272 पद, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के 863 पद, गृह विभाग में आरक्षक रेडियो संवर्ग के 493 पद, राजस्व निरीक्षक के 372 पद, कौशल संचालन में ITI प्रशिक्षण अधिकारी के 302 पद शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों में शीघ्र लेखक, सहायक Grade 3, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सांख्यिकी अधिकारी और भृत्य, चौकीदार, वार्ड बॉय, क्लीनर, वाटरमैन, कुक जैसे पदों की भर्ती की जाएगी। परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी और इसके अलावा ये भी बताया गया है अभी आगामी कुछ दिनों में किन परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी की जा रही है। तो दोस्तों ये न्यूज आई थी, आपके साथ शेयर कर दी गई है। इसके बाद इससे जुड़ी हुई कोई नई अपडेट आएगी वो भी हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा देंगे इस YouTube चैनल के माध्यम से। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।